Assalamu alaikum and hey friends, welcome back to my channel and those who are new, welcome to my channel. So, अभी रात के बज रहे हैं 12:30, तो मेरे यहाँ पे पानी खत्म हो गया था. कुछ लोगों ने कमेंट से पूछा कि पाकिस्तान में सब लोग ये मिनरल वाटर लेके पीते हैं क्या, तो आजकल नल के पानी में मट्टी आ रही है तो ज़्यादातर लोग पानी खरीद के ही पीते हैं. तो मेरे अम्मी अबू वाले घर वाले भी कहीं से पानी खरीद के पीते हैं, लेकिन मैं और इमोन जो है वो ये डिफरेंट पानी पीते हैं, ये मिनरल वाटर की जो बॉटल्स हैं अक्वाफीना की, क्योंकि हम लोग ट्रैवल करके आए हैं ना तो पेट ख़राब हो जाता है. वो दूसरा पानी भी अच्छा वाला पानी है, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ्टी के लिए ये अक्वाफीना का हमेशा मंगवाते हैं फूड पांडा से. तो अभी पानी खत्म हो गया था, रात के 12:30 हैं, मैंने इसीलिए वीडियो स्टार्ट किया ये बताने के लिए. तो मैंने फिर फूड पांडा जो है वो मैंने कहा कि अभी मैं ट्राई करती हूँ कि जो पाकिस्तान में कोई ऐसी सर्विस है जो रात को 12:30 भी पानी दे के जाए. तो मैंने फूड पांडा से पानी ऑर्डर किया, समोसे की पट्टियाँ ऑर्डर की और अंडे ऑर्डर किए. तो मज़े की बात यह है कि सब सामान आ गया और दस मिनट के अंदर ही शायद सारा सामान आ गया और घर तक देखे गए. ये बहुत ही बड़ी बात है, अप्रिशिएट करने के लिए मैंने ये अभी वीडियो बनाई थी. तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो ऑर्डर किया है. तो ये वाले मैंने अंडे ऑर्डर किए क्योंकि दिन के टाइम सबको रोज़ा होता है, कौन बाहर जा कर लेके आए गर्मी में. तो वैसे मैं दिन के टाइम मंगवाती हूँ, लेकिन आज मैंने रात को ट्राई किया और आ गया. और दूसरा मैंने ये ऑर्डर किया, समोसे की जो पट्टियाँ होती है ना, रोल पट्टी, और ये 200 का मिला था मुझे. इसमें 25 शीट्स हैं. समोसे बनाएंगे इंशाल्लाह इफ्तारी में. और ये अंडा ये था 150 की तरह अराउंड. और ये पानी की जो बॉटल्स हैं ये वाली आई है 160 की अराउंड होती है एक. तो ये मैंने दो ऑर्डर की है. ये वाली ख़त्म हो गया मेरा पानी, और पीछे वाले पानी में देखो पेड़ है. इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, और अभी लाइट भी नहीं है हमारे पास, लाइट भी चली गई है. इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है. ये अंडा भी फ्रिज में रख देते हैं हम फिलहाल. मैं इधर रख रही हूँ, बाद में हम लोग इधर रख देंगे. तो आज मैं आपसे अपनी स्किन रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो मैं डेली रात को करती हूँ. डेली एवरीडे सेम ही होती है. मैं ये लगाती हूँ सबसे पहले फिग बूस्टिंग एसेंस, जो कि मैं इसमें डाल के लगाती हूँ. इसमें बस ऐसे डाल के कि ये सारा जो है वो डूब जाए इस लिक्विड में, ठीक है. और फिर इससे अपनी स्किन जो है उसको साफ़ कर लेती हूँ, और उसके साथ साथ एसेंस भी लग जाता है ऐसे. ये हो गया, जो मेल वगैरह होगी वो इधर आ जाएगी. तो स्किन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि ये जो एसेंस है वो एब्जॉर्ब कर जाए. उसके बाद में लगाती हूँ वाइटा B3. ये जो होता है वो होता है अनइवन स्किन टोन के लिए, और इसके बेनिफिट्स हैं लाइटन स्किन एंड डार्क स्पॉट. क्योंकि मैंने रीड किया इस वजह से कि शायद आपको उधर से थोड़ा साफ नज़र ना आए. और ये वाला सीरम जो है वो बहुत अच्छा है. इसको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इसे मिक्स करके, और ये जो अमाउंट है एक पूरी ये मैं लगाती हूँ सिरिंज, ये पूरा मैं हाथ में लेती हूँ. इसको फिंगर्स पे से लगा के अपने चीक्स पे, नाक पे, अंडर आईज छोड़ के सारे फेस पे ये लगा देती हूँ. इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, और स्किन जो हमारी वो होती है ना ड्राई, वो भी चली जाती है. और बचा बचा गले पे और हाथों पे, ठीक है. और उसके बाद आई क्रीम, जो कि प्यूंगखांग युल ब्रांड से है. ये जब मैं कोरिया में थी तब मुझे ये स्टाइल की तरफ से मिले थे. इसमें ब्लैक टी है, और ये भी बस सिंपल एक ड्रॉप इधर एक ड्रॉप इधर. आई क्रीम के टाइम कोई कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से लगा दो यार, डार्क सर्कल्स चले जाएंगे, रिंकल्स भी चले जाएंगे, सब कुछ चला जाएगा जो भी आँखों के आसपास होगा. और मैं थोड़ा सा इधर लगा देती हूँ. और सबसे लास्ट में हम लगाएंगे ये वाला मॉइस्चर टिंट लिप बाम. दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम कोरिया. और ये हमारी हो गई स्किन केयर डन. अभी इट्स टाइम टू स्लीप. बाय.
चलो अभी इफ्तार का टाइम हो गया है और इफ्तारी बनाना शुरू करते हैं। आज मैं ना एक स्पेशल पकोड़े बनाने वाली हूँ जो हमारे घर पे कभी नहीं बने। तो वो मैंने प्याज जो है वो काट ली और ये बड़े जो है वो अम्मी बना के देके गई थी, तो मैंने सिर्फ दही में डिप किए हैं। ऐसे बस ऐसे अंदर अंदर डाल रही हूँ ताकि दही अच्छे से चूस ले। तो मुझे क्या चाहिए पकोड़े के लिए, प्याज चाहिए जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, उसके अलावा ये आलू चाहिए। फर्स्ट टाइम एवर हम ऐसे प्याज आलू ऐसे स्टाइल में कर रहे हैं, नहीं तो आलू हम हमेशा अलग से स्लाइस करके जस्ट फ्राई करते हैं। तो ये पोटैटोस जो हैं वो ऐसे स्लाइस्ड ऑनियन में ये डाल दिए मैंने, और उसके अलावा हरा धनिया जो है वो भी चॉप करके डाल दिया, ग्रीन चिल्लीज डाल दी, और अभी इसमें बेसिक जो है हमारे वो डालेंगे नमक जैसे हो गया। उसके अलावा मैंने इसमें हल्दी भी डाली है, ये मैंने इंटरनेट पे रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे और फिर मैंने ट्राई किया, और ये चिली फ्लेक्स डाले हैं, और ये जीरा डाला है, और ये अजवाइन भी थोड़ी मैंने इसमें डाली है। तो ये पकोड़े बड़े मज़े के लग रहे हैं यार। और ये जो है मिंट लीव्स हैं, पुदीने के पत्ते, अम्मी ने ड्राई किए थे घर पे ही, इतनी धूप होती है कि घर पे एक ही दिन में ड्राई हो गए, और ये पुदीना जो है वो मैंने क्रश करके डाल दिया। और इसमें मैं अपने हिसाब से बेसन डाल रही हूँ, मुझे ना ज़्यादा पानी पानी वाला ये नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा थिक होना चाहिए बेसन इसका। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। और इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो है धनिया, तो ये साबित धनिया जो है वो मैंने डाल दिया इसमें, ठीक है। और अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले जा रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके इसको मैं मिक्स करती रहूँगी। इसमें मैंने सोडा नहीं डाली, सोडा क्योंकि पकोड़ों को सॉफ्ट कर देती है। तो ये पकोड़े जो हैं वो ऐसे होने चाहिए, देख लो आप, मतलब ये पानी वाला बिल्कुल नहीं है, इसका मटेरियल थोड़ा थोड़ा थिक है, और मैं हाथ से ही उठा उठा के डाल रही हूँ क्योंकि हाथ से ज़्यादा कम्फर्टेबल हो रहा था। और उसके अलावा मज़े से मतलब अंदर जा रहे थे। आप लोग चाहो तो चम्मच भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद फिर चम्मच से स्टार्ट कर दिया क्योंकि बार बार हाथ कौन धोए, तो इसलिए मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ हाथ से किया है। और फिर जब एक साइड से पक जाए ना तो इसे उल्टा उल्टा करके दूसरे साइड से पकाना है। पकौड़े तलना तो सबको ही आता है, मैंने जैसे बेसिक जो वो है ना दिया है, और मुझे इतना पसीना आ रहा था, एनीवेज पसीना इतना नहीं आ रहा था, आई वॉज एक्टिंग। और ये फिर मैं ना यहाँ पे शरबत भी बना रही हूँ, जामेशेरी और टैंग। तो इमोंस वो बैठा हुआ था ऐसे ही, तो मैंने उसे बोला कि हेल्प कर दो थोड़ी, तो इसलिए वो अभी मिक्सिंग करके मुझे दे रहा है। और ये जब तक मैं पकोड़े तल लूँ, ताकि मतलब एक साथ दो दो काम मुझसे नहीं होते हैं, तो इसलिए कोई हेल्पर चाहिए ही, तो इसलिए वो शरबत बना ले वाले। और पकोड़े ऐसे देखो फ्राई हो गए हैं अच्छे से आलू के साथ और प्याज के साथ, और ये जो है जामेशीरी अपने हिसाब से डाला, और ये पकोड़े कुछ बन गए कुछ ये फ्राई हो गए। तो ऑयल निकलने के लिए मैंने साइड में रख दिया था, अभी ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है। ये एक प्लेट बनी थी मेरी पकोड़े की उस अमाउंट से, तो ये मैंने दस्तरखान पे रख दिया। और अभी माशाल्लाह से रोज़ा भी खुल गया है, तो सबसे पहले बस खजूर खा ली और उसके बाद जो है वो पकोड़े टेस्ट करवाए मैंने इमन से कि बताओ भाई कैसे हैं पकोड़े, तो उसको बड़े मज़े के लगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मैंने खुद टेस्ट किया और सच में इतना टेस्टी पकौड़ा था, इतना मसाले का अच्छा फ्लेवर आ रहा था, मतलब केचप तो अभी मैं खा रही हूँ केचप के साथ भी टेस्ट करने के लिए कि देखूँ कैसा लग रहा है, लेकिन विदाउट केचप इतना मतलब धनिया का, जीरा का, पुदीने का, सबका टेस्ट आ रहा था। और ये बाहर से फिर समोसे भी आज मंगवाए थे हमने, तो बहुत दिनों के बाद भी समोसा ट्राई कर रही हूँ मैं, क्योंकि बाहर से मैं नहीं खा रही हूँ ना यार, पेट ख़राब हो जाता है। तो ये माशाल्लाह से समोसा भी बड़ा टेस्टी था बाहर का, जो आलू वाला समोसा होता है ना। और ये जो है लोबिया, ये आए थे पड़ोसी से, तो वो भी मैंने टेस्ट किए और ये भी बड़े मज़े के थे। और फिर मैंने लास्ट में बस दही बड़े रह गए थे। इफ्तारी में मैं हर चीज़ थोड़ी थोड़ी खाती हूँ, ज़्यादा खा के अम्मी ने फिर ये मसाला डाला, घर का बना हुआ मसाला है वो, तो ना बस ये जो है वो मैं खाई जा रही थी, और मेरे भाई पीछे बैठा हुआ था, तो उसको भी मैंने कहा चलो हेलो कर दें। और फिर मैंने ना हमारे घर पे ये जो चने हैं ना, ये वाले लोबिया ये ज़्यादा नहीं बनते हैं, ज़्यादातर जो चने होते हैं वो हम ज़्यादा बनाते हैं, ये वाले नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो इमोन तुम भी ट्राई करो बड़े और ये वाले जो लोबिया हैं, चौरे कहते हैं हम सिंधी में तो इसको, तो ये वाले ना मिक्स करके खाओ कैसा लगता है। और लास्ट में मैंने इस ग्लास में शरबत पिया, टैंग आज पिया मैंने, जामेशेरी नहीं, मज़ा आ गया माशाल्लाह से। और फिर मैंने इसको फीड कराया चीकू को,
क्योंकि चीकू दिन में खाता है माशाल्लाह से 2-3 से 4 टाइम। तो यार बाल जो हैं वो बड़े ड्राई हो रहे हैं, तो अभी ये देखो, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं तेल लगा लूँ, बालों में तेल लगा रही हूँ। तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए भी मैंने सोचा कि उनके पेज को बड़ा शाउट आउट दे देती हूँ, तो ये वाला मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ अभी, और ये पीछे मेरा सेटअप फॉर इंस्टाग्राम। तो इसलिए तुम्हें लगाना है बालों में तेल? ईमान तेल का सुन के भाग गया, ये रिंग लाइट की रोशनी आ रही है। तो जल्दी से मैं तेल लगा लेती हूँ, कोई सा भी आप तेल यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑयलिंग ज़्यादा करती नहीं हूँ, ये बहुत गलत बात है, तो इसलिए ऑयलिंग ना थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए, बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है और कुछ नहीं। मैं जब कोरिया में थी तो हेयर मास्क वगैरह लगाती थी, लेकिन वो हेयर मास्क अभी मेरे सारे पैक्ड हैं सारे सामान, तो इंशाल्लाह मैं एक जगह सेट हो जाऊँ फिर अपने सारे सामान खोलूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम लोग ऑयल लगा लेते हैं, बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं। तो ये वाला जो ऑयल है वो बस सिंपल बालों को लगा लेते हैं, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है। ये ऑर्गेनिक ऑयल है, तो इसमें शायद डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स मिक्स किए होंगे, बालों के लिए अच्छा होगा। वैसे मैं कोई सा भी ऑयल प्रेफर करती हूँ, पर ऑलिव ऑयल जो है वो भी बालों के लिए अच्छा है, और आमंड ऑयल या फिर सिंपल सा भी अगर ऑयल हो ना फ़ायदा होता है यार। तो इसलिए बाल को ऑयलिंग करके नेक्स्ट टाइम मैं अपने भाई से लगवाऊँ लेंगी, या देखते हैं ईमान को बोलेंगे हमें ऑयल लगा के दे, क्योंकि कोई और लगाएगा ना तो अच्छे से मसाज करेगा, है ना? आर यू गाइस एग्रीइंग विथ मी? कोई और लगा दे अगर बालों में तेल। तो ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा मैं इधर टिप्स पे भी लगाऊंगी, हेल्थ अच्छी होगी ना। तो ये मैंने एक खुद से चोटी की है यार, मुझे ना खुद से, ये देखो कितने गलत चोटी की है कि मेरे बाल निकल आए, मुझसे चोटी होती नहीं, इसलिए अभी मैं इस चोटी को ऐसे करके नीचे से बाल निकाल के ये बाल डस्टबिन में फेंकूंगी, इधर नहीं फेंकूंगी, ठीक है? ऐसे करके जूड़ा करके क्लिप लगा लेती हूँ। और जो टीवी है ना, वो टीवी लाउंज से मैं यहाँ पे रूम में लेके आई हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे, और अभी मैंने KFC से कुछ ऑर्डर किया है। का टाइम भी हो गया है अच्छा खासा, आधा घंटा मैंने रखा है इसको, और अभी आधे घंटे के बाद आना है KFC का ऑर्डर, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं जाके अभी नहा के आती हूँ, और उसके बाद हम लोग अपना बर्गर इंजॉय करेंगे, और रिलैक्स भी हो जाऊँ मैं यार, क्योंकि बालों में तेल लगा हुआ है, गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैं जल्दी से नहा के आती हूँ। और मुझे ना अपने आईब्रोज भी बनाने हैं, जैसे मैं कोरिया में बनाती थी ब्लेड से, उससे ही बनाऊंगी रेजर से, क्योंकि यहाँ पे पार्लर में मैं जब गई थी आईब्रोज बनवाने, मुझे बहुत दर्द हुआ था, थ्रेडिंग मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है यार, तो इसलिए मैं अपना जैसे कोरिया में स्टाइल, जैसे कोरियन स्टाइल होता था मेरा, आईब्रोज रेजर से कर दो आराम से, तो मैं ऐसे ही कर दूंगी। अभी देखो बड़े हो गए हैं थोड़े थोड़े। इमान का भी बर्गर खाने का बड़ा दिल कर रहा था, जिंगर बर्गर, KFC का जा नहीं सकते क्योंकि वायरस भी चल रहा है और सुस्ती भी हो रही है, रमज़ान है, तो इसलिए हमने फिर घर पे ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे ज़्यादातर घर पे ऑर्डर करने वाला प्रोसेस भी बड़ा चलता है पाकिस्तान में, तो इसलिए घर पे बैठ खा लो। फिर इंशाल्लाह KFC और मैकडोनल्ड्स, मेरा जाने का बड़ा दिल है पिज़्ज़ा हट, तो वहाँ भी जाएंगे। मैं नहा के आ गई, और ये वाली नाइट ड्रेस जो है वो मुझे एक ब्रांड है उन्होंने भेजी थी, तो बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है, और अभी तक हमारा बर्गर आया नहीं है, तो उन लोगों ने आधा घंटा बोला था, अभी 25 मिनट्स हुए हैं, तो 5 मिनट्स लेफ्ट, बहुत भूख लगी है यार, जल्दी से बर्गर आ जाओ। और ये ड्रेस बड़ी मज़े की है, बहुत अच्छी है, मुझे ऐसी ही ड्रेसेस चाहिए थी, मिल नहीं रही थी, तो फाइनली मुझे मुफ्त में मिल गई। PR पैकेज था प्रोडक्ट रिव्यू के लिए, इन लोगों ने भेजा था, तो मैंने इसका रिव्यू बना लिया है इंस्टाग्राम में, और अभी बस ये ड्रेस हो गई मेरे घर की ड्रेस, पजामास, इट्स वेरी कंफर्टेबल। यस, फाइनली हमारा आ गया है खाना पीना, ये रहा हमारा KFC का बाबा, KFC अंकल, और इमान जल्दी से आ जाओ खाएं। नहीं, मैं सबसे पहले जल्दी से कॉम करके आती हूँ, कॉम कर लूँ, रुको पंखा खोल दूँ।
आ जाओ इमान, जल्दी आ, जल्दी इधर बैठो 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 बैठो। आज हम लोग इमान को भी वीडियो में डाल रहे हैं, ये आता ही नहीं वीडियो में। आज ना हम लोग साथ में खाएंगे, बातें करेंगे थोड़ी बहुत, थोड़ा सा करीब लेके आओ। चलो अभी दो बार। इमान मुझे बहुत दिनों से कह रहा था ऑर्डर करें ऑर्डर करें, फिर मैं डेली बोलती थी कि कल 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 कल। खुशबू, इतना बड़ा बर्गर है कि डब्बा जो है वो खुला हुआ है। इमान क्या कहते हैं, भूल गई, भूख भी लगी है ना बहुत। और इसके अंदर सॉस भी है। इसकी प्राइस क्या थी मन? 600 के करीब, 600 के करीब था ये। वाह, ओ इसमें वाह क्या, इसमें दो लेयर्स हैं। और ये सॉसेस, केचप एंड चिली गार्लिक। सॉस कितनी गर्म है ये देखो, बहुत गर्म है। खाओ खाओ, इसके अंदर ऐसे दो लेयर्स चीज, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव था। इसमें कैसे खा रहे हो, बहुत बड़ा है, साइड से खाते हैं। इतना टेस्टी है। कोरिया में केएफसी में खा नहीं पाते थे क्योंकि हलाल नहीं होता था, तो पाकिस्तान के बहुत मजे हैं कि सब चीजें हलाल है, मतलब कुछ भी खाओ, चिकन मीट वगैरह। मुझे ये पाकिस्तान में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा बाय द वे, इमोन से पूछते हैं पाकिस्तान कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, इमोन बताओ। मजा आ रहा है अच्छा, लेकिन इतना घूमा भी नहीं ना, लॉकडाउन है। हैदराबाद तो डिफरेंट है क्योंकि ये साइड एरिया है, और हैदराबाद कराची से डेफिनेटली थोड़ा छोटा है साइज में, बिजी कम होता है लोग ज्यादा, मतलब उधर कोई कराची में लोग बहुत बिजी होता है क्योंकि कराची पहले पाकिस्तान का कैपिटल भी था, और कराची बहुत बड़ा सिटी है, सिंध का लार्जेस्ट सिटी है कराची, और सेकंड नंबर पे आता है हैदराबाद। तो कराची जो है उधर ज्यादा फैसिलिटीज है, और जॉब्स वगैरह भी कराची में ज्यादा मिलती है, हैदराबाद में थोड़ा जॉब मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हैदराबाद में मजा इसलिए आता है मुझे क्योंकि मैं शुरू से ही हैदराबाद में रही हूँ, हैदराबाद ही मेरा होम टाउन है, तो इसलिए मजा आता है, अपना घर है और आसपास की चीजें बहुत सारी पता है। आजकल बहुत डेवलप हो गया है क्योंकि पहले हमारे एरिया में ज्यादा शॉप्स वगैरह नहीं होते थे, मतलब जैसे ब्रांचेस होते हैं, तो अभी बाटा के, एनर्जी के, मिठाइयों के रेस्टोरेंट्स इतने ज्यादा हो गए हैं। पहले हम लेने जाते थे जब एनर्जी का फालूदा या कुछ भी खाने, एनर्जी की चीजें मिठाई वगैरह, तो शहर जाना पड़ता था, हैदराबाद मतलब दूसरे साइड जाना पड़ता था। अभी जब है यहाँ पे खुद ही आ गया है कोरिया की तरह सारी फैसिलिटीज, तो नीचे से ही सब कुछ मिल जाता है ना। और फिर ये मेरे भाइयों के साथ घूमता है बहुत बाइक्स में, और तुम्हें बाइक चलानी नहीं आती ना? नहीं आता और पसंद भी नहीं। हाँ। और एक और बात, हम लोग कैसे मिले, ये सारी जो स्टोरीज हैं ये मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन आप लोगों को इसके लिए वेट करना पड़ेगा जब मैं थोड़ा रमजान भी चला जाए, ईद हो जाए, इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इंशाल्लाह अच्छे से बातें करेंगे। मिले मतलब क्या? कोरिया में मिले, कोरिया में मिले लेकिन मतलब लोग पूछ रहे हैं ना, आप लोग फ्रेंड्स थे, आपने शादी कर ली, तो ये बातें हम लोग बताएंगे धीरे धीरे से सब करो। बाय द वे हम शुरू से ही मतलब हमारी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और जैसे तुम्हें आप हमारी गलत बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, आप लोगों ने डेफिनेटली यूट्यूब में देखे होंगे मेरे बहुत सारे वीडियोस में। और फिर हम लोगों ने शादी का फैसला किया, हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे, और हमारे पेरेंट्स से बात की, पेरेंट्स ने एक दूसरे से बात की, अम्मी बाबा को समझाया, इन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, फिर पेरेंट्स पेरेंट्स कैसे मिले, कैसे अम्मी बाबा राजी हो गए। ये सफ़र इतना आसान नहीं था, अम्मी बाबा ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन वो परेशान भी थे कि मैं फिर पाकिस्तान आऊँगी, फिर कहीं और चली जाऊँगी, हमेशा परमानेंटली फॉरेन कंट्री में रहूँगी, तो ये मेरी पेरेंट्स जो है वो टेंशन कर रहे थे। लेकिन इमोन बहुत अच्छा लड़का है, तो मेरे पेरेंट्स इसलिए बहुत रिलैक्स हैं। अभी अम्मी बाबा का ये भी मेरे अम्मी बाबा का बेटा है, लेकिन ये है दामाद, घर जमाई पे फिलहाल ये हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, मेरे घर में रह रहे हैं। किसी किसी को लगता है कि
हम लोग अलग से रह रहे हैं या पाकिस्तान में ही इमोन रहता है, इमोन पाकिस्तान में नहीं रहता, ही इज फ्रॉम बांग्लादेश, तो इसका पाकिस्तान में घर नहीं है, हम साथ में मेरे घर में रहते हैं ना, और ये हमारा घर है अभी, मतलब मेरा घर इमोन का घर। तो अभी हम लोग ना एसी वाले रूम में जाते हैं, इस रूम में एसी नहीं है, गर्मी हो रही है ना, तो एसी वाले रूम में जाएंगे, थोड़ा मूवी वगैरह देखेंगे। कोई क्या है आजकल नेटफ्लिक्स पे, मुझे हॉरर मूवीज बहुत पसंद है यार, कोई हॉरर मूवी देखते हैं जल्दी, ठीक है? और अगर आप लोगों को कोई मजे की हॉरर मूवीज अगर पता है तो मुझे कमेंट्स में वो करें। मूवीज मजे के नहीं, डरावना होता है, मतलब बहुत डरावना होना चाहिए, है ना, बहुत डरावनी होनी चाहिए। और आप लोगों के मैं कमेंट्स भी सारे पढ़ती हूँ, ऊपर ऊपर से बहुत पढ़ती हूँ, लेकिन कमेंट्स नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज्यादा होते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी सारे कमेंट ही पढ़ती हूँ। हाँ, मतलब सारे ही पढ़ती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती, मन बहुत होते हैं ना, तो मैं ना इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रिप्लाई भी कुछ कुछ को कर लूँ। तो थैंक यू सो मच हमें बहुत प्यार देने के लिए। और इमोन जो है अपने बर्गर में बिजी है, दिखाओ दिखाओ कितना खा लिया, इसने इतना खा लिया इतनी देर में, मेरा देखो पूरा ही है, पूरी देखते हैं। फाइनली बर्गर जो है वो खा लिया, मेरा हाफ से थोड़ा कम बचा है अभी क्योंकि बर्गर बहुत बड़ा है, नहीं खा पा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद खाएंगे। और इमोन का बर्गर हाफ से भी इतना बचा है, तो उसका पेट अभी फट रहा है, उसने ज्यादा खा लिया। अभी मैंने सोचा कि ना चलो कॉफी पीते हैं, बहुत दिनों से कॉफ़ी भी नहीं पी, उसके अलावा बस कॉफ़ी नहीं पी बहुत दिनों से, याद आ रही है मुझे बड़ी, चलो कॉफ़ी पीते हैं। मेरे पीछे बर्तन पड़े हुए हैं, ये बर्तन मैं कॉफ़ी पी के फिर धोऊंगी, ठीक है? आज हम ये वाली कॉफ़ी पियेंगे, ये किस किस को याद है, मैंने लास्ट टाइम ली थी दाऊद सुपरमार्केट से, ये मैंने अभी तक नहीं खोली क्योंकि मेरी कोरिया वाली कॉफ़ी पड़ी हुई थी, तो इसलिए आज हम ये वाली ट्राई करें। कॉफी की इतनी मजे की खुशबू, कोरिया के मुझे कैफे याद आ गए, बहुत अच्छी खुशबू है यार। दे गई कॉफी, अच्छी खुशबू तो आ रही है मजे की। और मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, फिर मिलते हैं। चलो मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ यहीं पे। अच्छी है यार, नॉट बैड, अच्छी है, रोस्टेड एक फीलिंग नहीं आ रही जो कोरिया में, मतलब कोरिया में भी वैरायटीज मिलते थे, ऐसा नहीं है सारी रोस्टेड होती थी, लेकिन बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है सीरियसली। तो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं और फिर मैं ये आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुदा हाफिज़, बाय बाय।